नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हम लोग चेन्नई की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं, यानी चेन्नई मरीना बीच तरफ। तो ये कतिवकम स्टेशन है, ये हमारी लोकल स्टेशन है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्लेटफॉर्म ये साइड में है। हम लोग टिकट लेके आ गए हैं। अनुदीन लास्कर, हाँ, तो इन्हीं के साथ हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और आज 15 अगस्त है। तो फिर मिलते हैं अपनी जगह में। ओके दोस्तों, हमारा ट्रेन आ रही है। बस कुछ ये लोकल ट्रेन है जिसमें हम लोग चक के जाएंगे मरीना बीच की ओर। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हमारी ट्रेन आप रफ्तार पकड़ चुकी है और आप देख रहे हैं ये ट्रेन का लेफ्ट साइड। हाँ, कुछ मंदिर हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ छोटे मोटे घर हैं। यानी कहा जाए तो ये चेन्नई सेंट्रल से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी का नज़ारा है और मैं यहाँ से सेंट्रल की ओर जा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं ये लोकल रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी कुछ ही मिनटों में इस स्टेशन में ट्रेन रुकेगी। ज़्यादा नहीं रुकती है लोकल स्टेशन में, केवल और केवल 1 से 1.5 मिनट रुकती है, फिर चली जाती है। आप देख रहे हैं छूट चुके हैं। ये है तिरुतूर रेलवे स्टेशन, ऊपर का ब्रिज है। हाँ, ये टिकट घर आप देख रहे हैं आगे साइड। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और चेन्नई तमिलनाडु में आजकल समय आपको बता दूं, ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड नहीं है। कहा जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में कभी ठंड पड़ती ही नहीं है। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ का मार्केट में आप आजकल कंबल ख़रीदने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये 15 अगस्त 2021 का बात कर रहा हूँ, है ना। आजकल और कभी भी इधर कंबल मिलता ही नहीं है, चाहे आप किसी भी समय चले जाएं, क्योंकि इधर का माहौल यानी गर्म एरिया है। कहा जाए तो इंडिया का सबसे गर्म एरिया चेन्नई तमिलनाडु, हाँ इससे भी गर्म एरिया है जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान में, लेकिन वहाँ ठंड भी पड़ती है समय समय पर, है ना। चलिए हमारे साथ बने रहिए और इस खूबसूरत नज़ारा को आप देखते रहिए। ये है इस ट्रेन से हम लोग मरीना बीच की ओर जाएंगे। ये ट्रेन चेन्नई बीच से आ रही है और हम लोग निकल चुके हैं इस ट्रेन के माध्यम से। और ये आप देख रहे हैं ये चेन्नई का खूबसूरत नज़ारा मैं अभी दिखाने को जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, हाँ ये है ऊपर गोल बनाया गया है प्लेटफॉर्म को, देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत तरीक़ा से, देखिए ये है। हाँ, और इसका आप देख रहे हैं दाहिनी ओर यानी राइट साइड में ये घर है। ये घर को हमने कोशिश किया जानकारी लेने के लिए, पर अब तक बेहतर जानकारी हमें नहीं मिली है। चलिए मैं कोशिश करूँगा इस घर के बारे में बेहतर जानकारी लेकर आप तक पहुँचाऊँ। हाँ, तो आइए मैं इस वीडियो में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप सब हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा। हाँ, बस कुछ ही चंद सेकंडों में आप तक पहुँचाने वाला हूँ इस स्टेडियम का नज़ारा। हाँ, देख रहे हैं हल्के हल्के नज़र आ रही है। ये है स्टेडियम, इस बार यहीं पे खेल चला इंडिया और इंग्लैंड का। बहुत बड़ा नहीं पर बहुत छोटा भी नहीं है, पर बहुत खूबसूरत मैदान है। हाँ देखिए, ये मैदान है, हरी भरी मैदान है, देख रहे होंगे। चलिए हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। देखिए चपक स्टेशन का नाम है, यहाँ हम लोग उतर करके मरीना बीच की ओर जाएंगे। तो आपको 2 स्टेशन मिलेगा मरीना बीच जाने के लिए। तो मरीना बीच चेन्नई सेंट्रल से जाने का एक बेहतर वीडियो मैं आप तक बनाकर जरूर पहुंचाऊंगा। आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। भारत की जय हो, वंदे मातरम।